नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स रूल बुक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, मतलब पहले शॉर्ट में थोड़ा सा समझाऊंगी कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इस हिसाब से हम पूरी पढ़ाई करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे तो ये मैं आपको शुरू से कहती हुई आ रही हूँ कि आपको पॉइंटर्स में पढ़ना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्रैक करना है। आप तभी एमसीक्यू क्रैक कर पाएंगे जब आप पॉइंटर्स में पढ़ेंगे। पॉइंटर से पढ़ने में ये फ़ायदा रहता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ पाते हो, और उस पढ़ाई से आपके दिमाग में जो चीज़ें रह जाती हैं वो अच्छे से आपको याद भी रहती हैं। फिर सबसे पहले तो आप सबको ये चार्ट अच्छे से बना लेना है। मैं बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि ये चार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि वो वाली घटनाएं कौन से ईयर में हुई थी। चाहे एग्जैक्ट अंदाज़ा ना लगा पाओ, पर ये वाला चार्ट याद करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे ये चार्ट बनेगा आपका। पहले तो आप यहाँ ब्लू में देख पा रहे होगे, जहाँ पर ये पैलियोलिथिक एज थी हमारी, इस एज में जो है स्टोन्स वगैरह आए थे मोस्टली। अच्छा, मुझे जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है, मुझे क्वेश्चन का फटाफट आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का मतलब क्या होता है। फटाफट जिसको भी पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसको नहीं पता है वो मुझे सर्च करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलियोलिथिक है, इस एज में ये जो है हमारा, ये हमारा एरा आता है जिसमें हम बात करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो इस चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो डिब्बा आपका ऊपर की तरफ है और दूसरा जो है नीचे की तरफ है। जो ऊपर वाला आपका बिफोर क्राइस्ट एरा है, जो नीचे वाला है वो एनो डोमियो वाला एरा है। इसमें आपको पता ही होगा कि बिफोर क्राइस्ट और ये एनो डोमियो क्या होता है। जिनको नहीं पता है बीसी और एडी क्या होता है, उनको मैं समझा देती हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि एक ज़ीरो ईयर है, उस ज़ीरो ईयर में क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब उस का जब जन्म हुआ था, उनसे पहले वाला जो एरा आता है उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और उनके बाद वाला जो है उसको हम एनो डोमियो कहते हैं। अब इसका दूसरे एक नाम भी और भी होते हैं, जिसको हम बीसीई कहते हैं और दूसरे को हम सीई कहते हैं, ताकि इसमें कोई रिलीजियस वाली बात ना आए। तो इस हिसाब से भी हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। अब जो बीसीई है उसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और सीई जो है उसको कॉमन एरा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले जो है हमारा, ये हम मान के चलते हैं पैलियोलिथिक वाली जो एज थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, 20,000 साल से भी पहले वाला जो मतलब ये समझ लो 10,000 साल से पहले जो पहले पहले सारा था ना, वो सारा हमने उसी पार्ट में कवर कर लिया है। फिर उसके बाद आता है आपका ये मेसोलिथिक, जो मैंने रेड कलर में कर रखा है, ये आपका 10,000 साल तक वाला है। उसके बाद आपका नियोलिथिक आता है ये पर्पल में, 8,000 साल तक, मतलब 10,000 से 8,000 साल ये बीसी वाले जो है उनके बीच का जो एरा है ये वो है। उसके बाद आपका पूरा प्रॉपर शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पे ना लिखते टाइम मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो अब ध्यान से करना है इसको मार्किंग। मैंने अलग अलग कलर्स में भी इसलिए मार्क किया था कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। पढ़ाई करोगे तो ये ऐसे देखने में ना, अलग अलग कलर से बनाओगे तो एक चीज़ ईजी रहती है कि माइंड में जल्दी बैठती है वो चीज़। तो ये जो आपका नियोलिथिक वाला एरा है ना, वो 3600 BC तक आता है, जो ये पर्पल लाइंस नीचे मैंने ऑरेंज के नीचे कर रखी है वहाँ तक आता है। फिर जो 3500 BC है, वहाँ से आपका चालकोलिथिक एज शुरू होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो है एरा, इसमें कॉपर आए थे, कॉपर के बर्तन वगैरह, मेटल्स वगैरह जो है वो यूज़ होने लग गए थे हर चीज़ों में। फिर आता है आपका
2800 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपका ये हरप्पा मोहनजोदारो वाला जो इंडिया का मेनली जो एरिया आता है वो आता था। फिर उसके बाद आया आपका 1800 to 1600। ये जो 300 साल है ना, इन 300 सालों का किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब हिस्ट्री में इनके कोई रिमेन्स वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन 300 सालों में हुआ क्या था। सब लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं इन सब को लेके, कि इंद्रदेव आ गए, शिव जी आ गए, उन्होंने आके श्राप दे दिया इंडस वैली वाले लोगों को और ये सारा खराब हो गया, एरिया बर्बाद कर दिया उन्होंने, या फिर कुछ अपनी थ्योरी से लगाते कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गई, उसकी वजह से सब बह गया या सब ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी और हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 1500 से शुरू होता है ये 1100 तक ऋग वैदिक एरा, फिर उसके बाद लेटर वैदिक एरा जो आपका 10,000 BC से 600 BC तक चला था, फिर उसके बाद आया 500 to 300 BC तक आपके ये आए थे महाजनपद जिनको आप कहते हो, और इस टाइम पे मौर्यास वगैरह भी आए थे जिन आपने सुना होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो था, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है आपका 200 BC से लेके 200 AD तक है। अब धीरे 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 हम AD पे आ चुके। अब जो ये 400 साल है इनको डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बारबेनिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब ये कह सकते हो असभ्यता बहुत ज़्यादा फैल रही थी, आप रिलीजन को लेके, कास्ट वगैरह को लेके, मेनली तो रिलीजन को लेके सब एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, मार काट इतनी बढ़ गई थी, तो इस 400 सालों को डार्क एज भी कहा जाता है। और इस टाइम पे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रिमेन्स जो थे ख़त्म किए गए थे, सबसे ज़्यादा जैसे लाइब्रेरी वगैरह ख़त्म कर दी या फिर स्टोन्स वगैरह ख़त्म कर दिए। फिर आता है 300 से 500 AD तक आपके गुप्तास, गुप्तास चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को मत समझ लेना, गुप्तास अलग हुआ करते थे, गुप्तास इनका अलग राज्य, अलग शासन था एक, इनके बारे में सबके बारे में आगे बात करेंगे तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर 600 से लेके 700 AD तक आया आपका हर्षा 5, फिर उसके बाद 800 से लेके 1600 तक प्रॉफिट आया आपका, जैसे आपने देखा होगा ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके मुस्लिम वगैरह आ गए थे इंडिया में। फिर उसके बाद 1700 से ये हिस्ट्री के इतना वो है नहीं, इसको हम थोड़ा मेडिवल में ही लेके चलते हैं, तो इसका अलग से एक चार्ट बनाएंगे जब मेडिवल की बात करेंगे, तो तब आप क्लियरली समझ पाओगे। और फाइनली हम आ गए 21वीं सदी यानी 2100 AD पे, जहाँ पे फ़िलहाल हम चल रहा है अभी आपका जो प्रेजेंट टाइम है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई चीज़ें और कर देती हूँ, ये बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ था शुरुआत, इससे क्या है ना आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी, और थोड़ा बेस मिल जाएगा एशियन से शुरू करने का। तो चलिए, पहले जो आपका कह सकते हो सबसे पहली सभ्यता या कोई भी शासन वगैरह जो शुरू हुआ था वो अफ्रीका से शुरू हुआ था, वहाँ पे अलग अलग मूवमेंट शुरू हुई थी लोगों की, कह सकते हो सहारा के डेजर्ट के आसपास, नाइल नदी के आसपास, और फिर उस वहाँ से धीरे धीरे आए लोग एशिया में। फिर उसके बाद आपकी ग्रेट सिविलाइजेशन जो कह सकते हो, जो चार सिविलाइजेशन है आज तक मानी जाती है सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, ये चार हैं हिस्ट्री में, ये जो है मेनली रिवर्स के पास हुआ करती। देखो पहले क्या था ना, पहले लोगों के पास खाने पीने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो क्या थे, रिवर्स के आसपास ही घर बना लेते थे कि कम से कम पानी को ट्रैवल करवाने के लिए उन्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं ये कौन से हैं चार आपके सिविलाइजेशंस। ये थे आपके इजिप्शियन जो नाइल के आसपास थे, फिर थे मेसोपोटामियन जो आपके ये टाइग्रस फॉल्स के, जो टाइग्रस फॉल बहुत फेमस है उसके आसपास, टाइग्रस नदी के आसपास, फिर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपके ये हरप्पा मोहनजोदारो वगैरह, जो आपके धोलोवीरा वगैरह, जो आपकी सिविलाइजेशन इंडिया के आसपास, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास हुआ करते थे सारे। और उसके अलावा था आपका वांग हो जो चाइना में था।
तो चलिए धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया ना ये रिवर्स के आसपास ज़्यादा होते थे, तो शुरुआत में ग्रासलैंड से शुरू किया जहाँ पे खाना मिल जाता था, ये इक्वेटर्स के आसपास हुआ करते थे। और जो आपके शुरू में, सबसे शुरू में एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी, तो वो शुरू क्यों हुई थी कि लोगों को इधर से उधर जाना क्यों पड़ा? वो जाना पड़ा लाइवलीहुड के चक्कर में, भाई घर चाहिए उनको, खाना पीना चाहिए, लड़ाइयाँ करने के लिए। थोड़े डिजास्टर आ गए, मान लो नदी के आसपास है तो किसी दूसरी नदी के पास जाना पड़ेगा, अगर वहाँ फ्लड आ गया तो। ट्रेड के लिए आपस में ट्रेड, किसी ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उससे थोड़ा ट्रेड का शायद आइडिया, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ट्रेड के लिए कि आपस में वो पैसे वगैरह तो थे नहीं, बट ट्रेड आपस में आपको पता था बार्टर सिस्टम था कि आपसे एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ आपको दे देंगे। रिलीजन के चक्कर में, एडवेंचर्स के चक्कर में भी लोग निकल जाते थे, जैसे आपको पता है वास्को डी गामा आया था इंडिया में, तो ऐसे ही आपकी धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। और यहाँ पे CBCE के बारे में लिख रखा है मैंने आपको, जो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको चीज़। यहाँ पे मैंने नीचे देखे आई है, यहाँ पे बता रखा है कि मैन जो है पैलेस्टाइन एज में क्यों आया था, 2 मिलियन साल पहले BC की बात हो रही है यहाँ पे। उस टाइम पे क्या था, लकड़ी हुआ करती थी, पत्थर थे आपके, बोन्स वगैरह जो ये सब मिले हैं हमें, तो जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे आ गया था ये सब, तो उनके जो रिमेन्स हैं उनसे हमने थोड़ा पता लगाया। उनसे ये आइडिया हुआ है कि सबसे पहले शुरुआत में डिगिंग, जो खुदाई वगैरह के काम होते हैं और सिलाई वगैरह के, ये शुरुआत हुई थी। प्लस जो ये आपके वुड स्टोन्स वगैरह, बोन्स वगैरह, इनको जो है ना काटने के लिए यूज़ किया जाता, जैसे मीट वगैरह का काट दिया, उसके अलावा जैसे आपके ये बाक्स वगैरह कह सकते हो, पेड़ वगैरह काटने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। अब आते हैं हम इंडिया वर्सेस भारत। अच्छा, ये यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने, इंडिया में अब क्या क्या है, इंडिया में जो था आपका इंडस, सिंधु, ईरानियन वगैरह ये सब जो थे, अब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगे चीज़ें, इतना पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भारत में इन ऋग्वेदा जो है आपके, जो जो कहा गया था नॉर्थ वेस्ट में, कंपोजिशन संस्कृत में, मतलब मेनली यहाँ पे जो है ना इसलिए डिवीजन कर रखा है कि भारत में क्या कहा जाता है और बाहर इंडिया जब कहते हैं उसको तो क्या क्या रिमेन्स निकल के आते हैं। आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये क्या, हमें पीछे के क्या क्या क्लूज मिले जिनसे हमें पता चलता है अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में। बुक्स मिली है जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस आप कह सकते हो, खुदाई वगैरह दीवारों पे या सिक्कों पे। अच्छा, सिक्के मिले हैं अलग से, आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं आपको, टूल्स मिले हैं, जैसे अलग आ गए थे ना शार्प वगैरह चीज़ें, नाइफ्स वगैरह टाइप की होती थी, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स मिले, ऑर्नामेंट्स, गहने, कॉइन्स, बोन्स वगैरह मिले, वेपन्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिले, एक पेंटिंग्स वगैरह मिले, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, थोड़ी कंपैरेटिवली तो एडवांस कह सकते हो कि धीरे धीरे हो गई थी, बट वो सब मिले, इन सब से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम एशियंट हिस्ट्री से अच्छे से शुरू करेंगे, ताकि आपको शुरू से सब कुछ समझ आए। एशियंट हिस्ट्री हम इंडिया की पढ़ेंगे और फाइनली उसके बाद आगे की सारी वर्ल्ड की कर लेंगे फिर हम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।